हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द मार्केटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग सबसे पहले देखें तो जैसा कि आपको पता है कि सभी ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं। अगर आपने नीड वांट डिमांड क्या होता है नहीं देखा है तो हमारे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नीड वांट डिमांड समझ सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के एंड में थंबनेल में भी मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सभी ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होते हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, और उस नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम प्रोडक्ट, इट मे बी गुड सर्विस और एनी अदर थिंग दैट फुलफिल द ह्यूमन नीड एंड वांट्स। यानी कि कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, या चाहे वो गुड हो, चाहे सर्विस हो, या फिर कोई और चीज़ हो जिससे कि ह्यूमन की नीड वांट डिमांड फुलफिल होती है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आता है, तो दैट प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाई द डिफरेंट मैनुफैक्चरिंग सर्विस और प्रोवाइडर कंपनीज। तो ह्यूमन की नीड वॉन्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, और वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है, कोई मैनुफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। आइए एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन है, ह्यूमन की कुछ नीड वॉन्ट या डिमांड होती है, उस नीड वॉन्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है, मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन उसको डेवलप करता है, और मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके क्या करता है, क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है और डिलीवर करता है। किसको सेटिस्फाई करने के लिए, किसको सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन को। अब ये पूरा फिगर आप समझने की कोशिश करें। ह्यूमन जो है उसकी नीड वांट डिमांड होती है, उसको प्रोडक्ट बना, उसकी नीड वांट डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है, डिलीवर करता है ह्यूमन को, और ह्यूमन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो यही मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का काम क्या है कि वो ह्यूमन की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करे और प्रोडक्ट प्रोवाइड करके ह्यूमन को सेटिस्फाई करे, दैट इज़ मार्केटिंग। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो आप अब इजीली मार्केटिंग को डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। ओके, आपने जैसा कि पहले देखा कि क्या था, कि हमने आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमन की नीड या वांट या डिमांड क्या है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाया, उसको क्रिएट किया, उसको कम्युनिकेट किया और डिलीवर किया कस्टमर को, जिससे कि क्या हुआ, वो सेटिस्फाई हुआ, ह्यूमन की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया और हमने प्रॉफिट भी अर्न किया। ऑब्वियसली बात है, अगर कस्टमर परचेज करेगा हमारा प्रोडक्ट, बाबा परचेज करेगा, तो हमें कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है सिंगल लाइन की, कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय फिलिप कोटलर। ये डेफिनेशन फिलिप कोटलर, जो कि बेस्ट रिनाउंड ऑथर हैं मार्केटिंग के, फिलिप कोटलर, उन्होंने ये डिफिनेशन देखी, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली इज मार्केटिंग। दूसरे टर्म्स में बात करें कि मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। इस डिफिनेशन की बात करें तो मार्केटिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है। मार्केटिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जिसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना एंड डिलीवरिंग वैल्यू। ठीक है, क्रिएट करना यानी कि प्रोडक्ट को बनाना, कम्युनिकेट करना यानी प्रोडक्ट जो बनाया है उसके बारे में लोगों को बताना, और डिलीवरिंग वैल्यू बताने के बाद उस वैल्यू को, उस प्रोडक्ट को मार्केट तक डिलीवर करना, मार्केट तक पहुंचाना, जिससे कि कस्टमर उसको परचेज कर सके। और इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर की नीड वांट्स फुलफिल होंगी और स्टेक होल्डर्स जो है उस कंपनी के, उनको भी फायदा होगा। तो मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। ये डेफिनेशन दी गई थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा, मार्केटिंग की डिफिनेशन। तो एक डिफिनेशन जो है आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली फिलिप कोटलर द्वारा दी गई। वहीं पे दूसरी डिफिनेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, ये वाली डिफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई थी। एक दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं जिसमें कि सोसाइटल के लिए दी गई है, सोसाइटल डिफिनेशन है, सोसाइटल डिफिनेशन बाय फिलिप कोटलर द्वारा दी गई थी। तो मार्केटिंग इज ए सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन वॉट दे नीड एंड वॉन्ट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विथ अदर्स। ये डिफिनेशन दी गई फिलिप कोटलर द्वारा, जिसमें कि सोसाइटी के बेस पे था, कि मार्केटिंग क्या है, एक सोसाइटल प्रोसेस है। मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, यानी कि इंडिविजुअल यानी कि हम लोग, या ग्रुप्स मतलब कि फैमिली, सोसाइटी, ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट्स, यानी कि वो जो चाहते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप जो चाहते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, कैसे, क्रिएट करके, बना के, ऑफर करके और एक्सचेंज करके, क्या एक्सचेंज करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ वैल्यू विथ अदर्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं मार्केटिंग के,
जो फिलिप कोटलर द्वारा और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दिए गए थे, और होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज नथिंग, मार्केटिंग सिंपल सा है कि जो ह्यूमन की नीड एंड वांट्स है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करिए और कस्टमर तक उसको डिलीवर करिए और प्रॉफिट अर्न करिए। दैट इज़ मार्केटिंग। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।